हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब लोग भी अच्छे हैं। आज कुछ स्पेशल डे है। कुछ स्पेशल क्या, नॉर्मली डे है, कुछ स्पेशल नहीं है। तो समझे तो सब स्पेशल है और ना समझे तो कुछ भी स्पेशल नहीं है, है ना? तो जैसे कि आज क्या है, योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। अच्छा, तो ये देखिए योगा डे ये नटखट हुआ है और इसको जमा पड़ा हो कम से कम। तो ये देखिए नटखट बॉय जामा पहन लिया, गंजी पहनता, इसको ज्यादा गर्मी लगता है तो गंजी पे ही ज्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने योगा किया कि नहीं? मेरे बच्चे योगा करते हैं, घर पे थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन स्कूल में हमेशा होता है, होता है ना स्नेहा? हाँ, तो आज स्कूल में भी हुआ था ना, स्नेहा के स्कूल में हुआ था और श्रीनि के भी। वो क्या है कि सुबह में पता है कितने बजे गई थी स्नेहा? ऐसे तो 7:30 बजे है ना, आज 6:30 बजे गई थी, 6:30 बजे गई थी ना। पूरा बारिश हो रहा था फिर भी गई, क्योंकि योगा दिवस था और वहाँ पे क्या है, टीचर्स लोग का भी योगा हुआ बारिश। हाँ, तो योगा भी हुआ और क्या बोलते हैं, ड्राइंग वगैरह जो था वो कंपटीशन भी था और योगा भी हुआ। कैसे कैसे योगा हुआ थोड़ा करके दिखाओ। हाँ, पहला योगा था हमारा पैर मुद्रा, जो कि है अपने हथेलियों को ऐसे कुछ फंसा लेना है, इस तरह से फंसा के अपने हाथों को ऊपर करके पैरों को 10 बार ऊपर नीचे करना है। अच्छा, जिससे हमारा हाइट और बढ़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मतलब मेरे बच्चे करते हैं योगा, ऐसा नहीं है मैं नहीं करती। मैं करती तो आज इतनी मोटी नहीं होती आलसी, इसको बोलते हैं आलसी पर मुझे योगा करना पसंद नहीं है, बट पहले करती थी मैं, अब नहीं करती, टाइम ही नहीं मिलता 3 बच्चे संभालना है, 2 यूट्यूब चैनल है, उसको मतलब मेंटेन करना, उसके बाद से साफ सफाई ये वो करते करते समय पार हो जाता है, टाइम ही नहीं मिलता है। पहले टाइम मिलता था, नहीं करती थी, YouTube चैनल नहीं था, तो अभी शॉर्ट्स में ज्यादा टाइम लगता है हम लोगों को शॉर्ट्स बनाने में, इसलिए थोड़ा ज्यादा बिजी रहती हूँ। और मेरा सेकंड है त्रिभुज मुर्दा। अच्छा, दिखा रही हूँ। और क्या बोलते हैं, Instagram पे भी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग Instagram का भी चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है, आप लोग फॉलो करिएगा यदि आप लोग नहीं किए हैं। तो मैं पीछे से दिखा रही हूँ कैसे कैसे योगा स्कूल में हुआ था और कैसे कैसे ये लोग करता है, लोग घर पे भी करता है, लोग जिस दिन स्कूल बंद रहता है ना उस दिन करता है लोग। तो ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट हो गया है इन लोगों का योगा। बताओ, पहला है हमारा वृक्षासन। कैसे होता है? उसको पहले एक पैर पे खड़ा होना है इस तरह से। अच्छा, खड़े होने नटखट बॉय ढीमलू या मत मारती है ना, इधर आ जाओ, तुम इधर आ, तुम बीच में आ। अपने पैरों को ऐसे रखने के बाद अपने हाथों को ऊपर ऐसे रखना है, प्रार्थना मुद्रा में। ये तो डांस कर दिया लग रहा है। और सेकेंड बताओ। सेकेंड है हमारा त्रिभुज मुर्दा। वो कैसे होता है? उसको अपने पैरों को पहले फका करना है। यस। उसके बाद अपने हाथों को धीरे धीरे जमीन पर टच करना है। अच्छा, मोड़ा नहीं है और धीरे धीरे इसको जमीन पर टच करना है। आर्यन, तुम हटो तो साइड होको, रिद्धि दीदी के पास जाओ, सिद्धि दीदी के पास। हाँ, गुड। देखिए मैं पूरा जमीन पर टच कर पा रही हूँ। ये त्रिभुज होगा। अच्छा, और सेकेंड थर्ड वाला बताओ। कपाल भाती एक है। हाँ, कपाल भाती। अनुलोम विलोम है। हाँ, वो सब तो सबको पता ही होगा। हाँ, तितली आसन है जो कि ये मैं भी करती हूँ, ये वाला मैं भी करती हूँ, तितली आसन मुझे अच्छा लगता है ये वाला। इस तरह से पकड़ के अपने पैरों को ऐसे तितलियों की तरह करना, ऐसे वजन कम होता है। अरे वाह, सबसे तो अच्छा आर्यन कर रहा है। अरे वाह, ये देखिए क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। हाँ, चौथा नंबर। चौथा है हमारा पैर मुद्रा, जिसको सबसे पहले अपने हथेलियों को ऐसे कर लेना है। हाँ, मतलब हाथों में फंसा लेना है दोनों को। अच्छा, उसके बाद अपने हाथों को ऊपर करके इस तरह से अपने वो नाखूनों पे, पैर के नाखून पे खड़े होना है। अच्छा, इससे हमारा हाइट बढ़ता है। स्कूल में हुआ था ये सब? हाँ। अच्छा, तो पता है ये स्नेहा मेरी के भी स्कूल में पढ़ती है, केंद्रीय विद्यालय कुछ बिहार में है, तो उस पे पढ़ती है, उसमें तो बहुत अच्छा सब कुछ है, साधन सुविधा सब कुछ सिखाया जाता है, कराटा भी होता है ना? हाँ, कभी कभी। अच्छा, कराटा भी होता है, होता है। श्रीदी के स्कूल में हमेशा होता है? मेरे स्कूल में तब होता है जब कोई कंपटीशन वगैरह होता है। अच्छा, जब कराटे वगैरह का मेरा फंक्शन वगैरह होता है। तो चौथा, तीन बताई ना, चार, और पांचवा बताओ। पांचवा अनुलोम विलोम। अच्छा, जो कि सबको आता ही होगा। पहले
इस तरह से बैठना है पलथिन मारकर, उसके बाद अपने हाथों के सहारे धीरे धीरे करके नाक को ऐसे दबाना है। एक नाक से सांस लेना है, दूसरे नाक से छोड़ना है। उसके बाद अपने एक हाथ को इस तरह से रख के यहाँ पे रखना है। उसके बाद ऐसे ये मैं भी करती थी पहले, अभी भी कर लेती हूँ कभी कभार, मन करा जा। अरे वाह, ये नटखट बॉय क्या कर रहा है, नाक दब रहा है कि नाक छिरक रहा है, नाक से नेटा निकाल रहा है। बहुत अच्छा कर रहा है। मैं ये बहुत करती थी, मैं 5 मिनट तक कर लेती थी। हाँ, और ये भी करते थे लेकिन ये चीटिंग करते थे। ये कितना, एक साल का था तब, मैं पहले बहुत योगा करती थी। तो फ्रेंड्स मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया, मैं भी करती हूँ। 6-7 जो योगा है वो हम भी करते हैं, बच्चे लोग भी करते हैं, और इनों के स्कूल में भी आज हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलिए एक। तो पता है फ्रेंड्स, मैं मेरे साथ साथ ये भी करता था, एक साल का था। हाँ, और कंपटीशन लगाता था। हाँ, अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत करते हैं, बहुत कम करते हैं, लेकिन करते हैं। एक बार मोटी हो तो क्या हुआ, फिटनेस करना चाहिए। वाला करती थी देखिए कैसे कर रहा है। ये पता है, ये बहुत धीरे धीरे करता है ताकि किसी को पता ना चले। सर मारा ये तो चलता रहता है, क्या बोलते हैं, मतलब घर में करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मैं भी करती हूँ थोड़ा बहुत, मैं भी कर लेती हूँ। बच्चे लोग स्कूल में भी करते हैं, घर पे भी करते हैं। जिस दिन स्कूल बंद रहता है उस दिन घर पे करते हैं, जिस दिन स्कूल चालू रहता है उसको सब करते हैं, है ना। तो जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए, अपना फिटनेस बनाकर रखना चाहिए, अपना सेहत पे ध्यान रखना चाहिए, है ना श्रीदी। हाँ, तो आज योगा दिवस था तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा तो ब्लॉग बनता है, अपने फ्रेंडों लोगों के साथ शेयर करना बनता है। वो क्या है कि मेरा डेली का ब्लॉग है, तो जो भी फेस्टिवल आता है मैं उसके विषय में अवश्य ब्लॉग बनाती हूँ, है ना। छोटा हो या बड़ा हो, ब्लॉग जरूर बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हर एक फेस्टिवल का। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरा ब्लॉग डेली का ब्लॉग है, रोजाना देखिएगा और देखकर बताइएगा कि आज का ब्लॉग मेरा कैसा है, ठीक है, अच्छा है कि बुरा है, जरूर बता दीजिएगा। बता देने दाम थोड़ी लगता है। कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख दीजिएगा, बेचारा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहता है, कोई कुछ कमेंट ही नहीं करता। एक दो है फ्रेंड्स जो लोग कमेंट करते हैं, उनके लिए भी थैंक यू, जो लोग कमेंट करते हैं, जो नहीं करते हैं देखकर चले जाते हैं उनके लिए भी थैंक यू। कम से कम वास्ट टाइम तो कम्प्लीट होता है, वास्ट टाइम और उनको अच्छा नहीं लगता, खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है वही करना चाहिए। मुझे जो अच्छा लगता है मैं करती हूँ, है ना। मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना, मुझे अच्छा लगता है शॉर्ट्स बनाना, तो मैं तो ब्लॉग और शॉर्ट्स बनाती हूँ। अब लोगों को क्या अच्छा लगता है उनके ऊपर निर्भर करता है ना, उनको कमेंट करना है नहीं करना है। हाँ, लाइक देना है नहीं देना खैर कोई बात नहीं, अच्छा है वो अपने दुनिया में मस्त रहे, हम अपने दुनिया में मस्त रहे, है ना। हाँ, सबको मस्त रहना चाहिए। और हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है, पता है 10 दिन से बारिश हो रहा है, बारिश बोली से दिमाग खराब हो गया, कपड़े नहीं सूख रहा है, इतना सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ का पूरा नदी सब कुछ भर गया है, लग रहा है बाढ़ आने वाला है। खैर कोई अभी ये नहीं है, चांसेस पूरा नहीं है। हाँ, पिछले बार भी हुआ था लेकिन थम गया था, इस बार देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी 24 तारीख तक बारिश कंटिन्यू होने वाला है, ज्यादा होगा कम होगा, तो देखते हैं क्या होता है। अब ऊपर वाले जो देंगे वही होगा, आदमी लाख कोशिश करे कुछ नहीं होता है, जो करे वो ऊपर वाले करते हैं, है ना। अपना मेहनत करते रहे और क्या, आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखे। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मेरे बच्चे ने कैसा, मतलब योगा के, योगा यदि करे तो मैं आप लोग के साथ शेयर करने में 2-3 घंटे लग जाएंगे, मतलब बहुत सारा योगा है, 8-10 तो हम लोग करते ही है, कितना 6-7 बताए हैं हम लोग, आप लोगों को दिखाया भी है, ये कितना दिखता है, वही तो जाता है ब्लॉग।
और हम योगा डेली कम से कम 20 मिनट एक योगा करते हैं। तो 20 मिनट का कौन ब्लॉग बनाता है इतना, तो मैंने शॉर्टकट में बना दिया है, तो देखकर बताइएगा जरूर कि मेरा ब्लॉग कैसा है, बच्चे लोगों ने कैसा किया है, तो कैसा रहा मेरा ब्लॉग, क्या है श्रीदेव? लस्सी, ये देखिए लस्सी हम लोग पी लिए हैं। श्रीदी अभी स्कूल से आई है, तो श्रीदी का हिस्सा है। लो श्रीदी, ठंडा है, फ्रिज का है, और इसका जरूरत भी नहीं था क्योंकि अभी बारिश हो रहा है, मौसम एकदम ठंडा हो गया है, फ्रिज का लस्सी पीने का कोई जरूरत नहीं है, अभी रहने दो गर्म हो जाएगा। और आर्यन को पता है कौन सा योगा ज्यादा अच्छा लगता है? ओ हाँ, ये एक नंबर, और सेकंड नंबर है वृक्ष आसन, वृक्ष आसन बड़ा अच्छा करता है, और कूदने वाला भी, वो पीटी जो होता है, पीटी वाला भी बहुत अच्छा करता है, और ऐसे जॉगिंग होता है क्या कि पूरा फिटनेस हो रहा है, और ये भी जरूरी होता है। हाँ, ये सब होता है ना, तो कंधा का दर्द जो होता है वो सब सही हो जाता है, और चर्बी थोड़ी सी कम हो जाती है, बट मेरी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। और ये सब बच्चों को ज्यादा करना चाहिए, ताकि मतलब वो जब भारी भारी बैग उठाते हैं तो हाँ, स्कूल का होमवर्क कॉपी, क्लास वर्क कॉपी, एक्स्ट्रा क्लास वो एग्जाम्स का कॉपी, ये सब लेके जाने के लिए तो चाहिए ही ना, और ऊपर से बुक्स भी होते हैं कितना भारी भारी, सही बात है, उसके लिए बादाम खाना चाहिए। हाँ, बादाम खाने से भी होता है, मैं तो बादाम लेती भी हूँ, जरूरी भी है, बादाम वो दूध वाला बादाम, ये सब मैं बच्चों के ऊपर केयर करती हूँ और देती हूँ कुछ कुछ, जो कि प्रोटीन हो, सेहत के लिए फायदेमंद हो, वो सब खाना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई कर रहा है बच्चा ना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, स्नेहा क्या बोलते हैं, क्या नहीं कोई कुछ नहीं, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, टाटा बाय बाय।